सवाल है, जल्दबाजी करना किस मखलूक की सिफत है? आपके ऑप्शन है ए शैतान की, बी जानवर की, सी इंसान की, डी फरिश्ते की। दुरुस्त जवाब है ए शैतान की। सवाल है, कौन से जानवर ने खाना कावा की 500 साल तक हिफाजत की? आपके ऑप्शन है ए मकड़ी, बी सांप, सी शेर, डी मोर। दुरुस्त जवाब है बी सांप। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनकी दुआ पर बगैर बादल से बारिश हुई थी? आपके ऑप्शन है ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है बी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है, फरिश्ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास किस शक्ल में तशरीफ़ लाते थे? आपके ऑप्शन है ए हशरात की, बी इंसानों की, सी जिन्नात की, डी परिंदों की। दुरुस्त जवाब है बी इंसानों की। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले किस इंसान को ताबूत में दफन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए हाबील को, बी काबील को, सी नमरूद को, डी कारून को। दुरुस्त जवाब है ए। सवाल है, जहाद के वक्त कौन सी सूरह पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ए सूरह तौबा, बी सूरह इन्फाल, सी सूरह सजदा, डी सूरह यासीन। दुरुस्त जवाब है बी सूरह इन्फाल। सवाल है, हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए इस्तलाम, बी तवाफ, सी रमी, डी सई। दुरुस्त जवाब है सी रमी। पुराने कपड़े और जूते घर में पड़े रहना किस चीज़ की अलामत है? आपके ऑप्शन है ए फरिश्ते आने की, बी जादू की, सी दौलत आने की, डी गुर्बत आने की। दुरुस्त जवाब है डी गुर्बत आने की, क्योंकि इस चीज़ से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती है। सवाल है, किस चीज़ से मोहब्बत करने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है? आपके ऑप्शन है ए मस्जिद से, बी दुनिया से, सी औलाद से, डी बीवी से। दुरुस्त जवाब है ए मस्जिद से। सवाल है, अल्लाह ताला ने कौमे समूद पर किस शक्ल में अज़ाब नाजिल फरमाया? आपके ऑप्शन है ए आग का तूफ़ान, बी पानी का तूफ़ान, सी पत्थरों की बारिश, डी चीख की शक्ल में। दुरुस्त जवाब है डी चीख की शक्ल में। सवाल है, लफ्ज़ इस्माइल के मायने क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए बहादुर, बी मुस्कुराहट, सी अल्लाह का सुनना, डी अल्लाह का बंदा। दुरुस्त जवाब है सी अल्लाह का सुनना। सवाल है, किस इंसान के मरने पर ज़मीन भी रोती है? आपके ऑप्शन है ए नेक इंसान, बी शरीफ इंसान, सी सच्चा इंसान, डी मोमिन। दुरुस्त जवाब है डी मोमिन। सवाल है, कौन सा अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए?
आपके ऑप्शन हैं ए नमाज पढ़ना, बी कुरान पढ़ना, सी ज़कात देना, डी हज करना। दुरुस्त जवाब है डी, हज करना। आज के इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल आपको अच्छा लगा और कितने सवालात के जवाब आपको पहले से आते थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम।